अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 91 HD न्यूज़ और मैं हूँ गुलाम दस्तगीर। खबर शामिल करते हैं इलाहाबाद से। इलाहाबाद कसूर रोड पर डी क्लास अड्डा मैदान जंग बन गया। फायरिंग मार कटाई, कई जख्मी। पुलिस असल मुलजिमान की बजाय राहगीरों को पकड़कर थाना ले गई और तशद्दुद का निशाना बनाती रही। तफसीलात के मुताबिक दीपालपुर और हुजरा शाम की वगैरह से आने वाली गाड़ियों को कसूर रोड पर कायम एक डी क्लास अड्डा के सामने रोककर जबरदस्ती जगह टैक्स वसूल करने पर दो ग्रुपों में जबरदस्त लड़ाई, मार कुटाई और फायरिंग होती रही। कसूर रोड पर ने जंग बना रहा। पुलिस बासर मुलजिमान को गिरफ्तार करने के बजाय राहगीरों को पकड़कर थाने ले गई और तशद्दुद का निशाना बनाती रही। इलाहाबाद पुलिस ने साबिक नाजम चौधरी फयाज शाहिद की दरख्वास्त पर 11 अदद नामजद और 40 अदद नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं फूलनगर से। फूलनगर मांगा मंडी शाम की बटियां और इसके गिद्धनुमा में कौमी शाहरा मीन मुल्तान रोड नेशनल हाईवे पर शदीद धुंध के बाईस हद निगाह सिफर। ड्राइवर हजरात को फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की हदायत। हद निगाह सिफर होने की वजह से ड्राइवर हजरात को कम रफ्तार में जाने की भी हदायत की गई। किसी भी हंगामी सूरत हाल या मालूमात के लिए शहरी और मुसाफिर मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन 130 पर रब्ता कर सकते हैं।